ये देखिए ये आंवला है और इसका हम जो है अचार बनाएंगे। तो इसको पहले जो है उबाल लेते हैं। ये बड़े बड़े आंवले हैं, देखिए गुजेदार बढ़िया। तो इसको हम जो है पहले उबाल लेते हैं। तो उबालने में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के ये इतना, और बस इसको बंद करके गैस पर रख देते हैं। एक से डी हो जाएगी तो बस बंद कर देंगे गैस, और फिर इसको ये इस प्रकार की छन्नी में छान के और थोड़ा सा दूध दिखा देंगे कि मतलब इसका पानी वानी सूख जाए। फिर हल्का मसाला डाल के नमक मिर्चा और भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सरसों, सब ये हल्दी ये सब डाल के और सरसों का तेल में सब मिला के और बस रख देंगे। और इसको जो है धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी सूख जाना चाहिए, फिर आप इसको महीनों खा सकते हैं। तो बस अब पहले उबाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने आंवला हमारा धूप में सूख के पानी बिल्कुल इसका सूख गया है, देखिए। और ये हमने मसाले निकाल लिए, थोड़ा ही मसाला डालेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है, हल्का थोड़ा अचार डालेंगे और ये बस एक महीने तक आप खा लीजिए। फिर उसके बाद बहुत साल भर के तक के लिए नहीं, वैसे लग सकते हैं क्योंकि पानी में बिल्कुल सूखा दिया है ना, तो इसको आप जितना भी लग सकते हैं पुराना करके आप खा सकते हैं, लेकिन हम तो इसको जल्दी थोड़ा सा डालना है बस ख़त्म कर लिया जाएगा। तो ये देखिए भुना जीरा, नमक मिर्चा और ये सौंफ पीसी हुई है और थोड़ा सा सरसों पीस लिया है, हल्दी, बस इतना मसाला हम ये डालेंगे। तो सब ये सब हम इसमें डाल देते हैं और इसके बाद तेल डाल देंगे, ये सरसों का तेल, बस। अब इसको हम सब मिक्स कर देंगे। मिक्स करके या तो आप कांच की कोई शीशी हो और या जार हो, हम तो इसको क्या करेंगे कि प्लास्टिक के डिब्बे में ही रखेंगे। तो ये हमारा ये देखिए डिब्बा, ये डिब्बा है, बस इसमें जो है रख देते हैं और थोड़ा सा धूप में रख दीजिए एक आध दिन, और फिर खाना तो तुरंत शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल बढ़िया, देखिए कितना सुंदर कलर है और हल्का मसाला डाला है, लेकिन लग रहा है कि कितना ज़्यादा मसाला है। तो बस इस प्रकार चटनी बनाइए, अचार बनाइए और सीजन भर खूब आराम से आंवले का सेवन करिए, तो ये आँख के लिए पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आशा करते हैं ये हमारे आंवले का अचार का वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।